आइए अब हम भागवत से जानते हैं कि भागवत करती क्या है। भागवत का स्वरूप क्या है ये तो आपने जान लिया। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक दिया गया है, कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। माताओं भगवान के स्वरूप बताए हैं भागवत जी में। पहली बात आपने ये जाने कि भगवान का वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवत है। हाँ, भगवान का वाङ्मय विग्रह है तो भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, ये भागवत के बारे में बताया गया है। सत भगवान कैसे हैं? बोले भगवान जो हैं सत हैं। सत घन चित घन आनंद घन। घन कहते हैं ठोस को, आपने सुना होगा। घन तो आप सब जानते ही होंगे। घन माने ठोस, मतलब भगवान सत है यह बात सही है, भगवान चित है यह बात सही है, और भगवान आनंद है यह बात सही है। हाँ, तीनों स्थिति में भगवान की है, सतत सत्ता है। सत का अर्थ जानिए। सत का अर्थ होता है भैया जिसका कभी विनाश ना हो वो सत है। अब अनुमान आप लगा लीजिए कि वास्तव में इस संसार में कौन सत्य है और कौन असत्य है। क्या ये संसार सत्य है? ये संसार भी असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो सत भगवान है, ये ध्यान रखना जीवन में। ए दो वातन का ध्यान रख जो चाहे कल्याण। किसको? ए भैया नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भैया मरना सत्य है। हाँ, मरना सबको जाना है, आया है सो जाएगा, राजा हो रंक हो फकीर सब सब जाना है। केवल फर्क यह है कि कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। कर्मों के गति के अनुसार कोई जंजीर में बंध के गया तो कोई सिंहासन चढ़ गया। सत्य स्वरूप परमात्मा को ना भूलें। भगवान ही चित्त हैं, जो हमारे अंदर चेतनता है वही भगवान चेतन बन करके हमारे अंदर विराजमान। और आनंद देखिए, आनंद की परिभाषा शास्त्रों ने बड़ी सुंदर दी। आनंद स्वयं कौन है? आनंद स्वयं भगवान है। हमारे ब्रज में तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो। नंद घर किसी ने नहीं कहा कृष्ण हुआ, बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो मतलब कौन है? आनंद भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं जो आनंद सिंधु सो गरासी, जो आनंद सिंधु सो गरासी, जो सुखरासी।
जो आनंद सिंधु सुकरासी सी करते त्रिलोक सुपासी और सो सुख धाम राम असनामा। भैया अखिल लोक दायक विश्राम, उसका नाम लेने से जो विश्राम प्राप्त कर ले वो ही आनंद है। ये दुनिया की चीज आनंद नहीं हो सकती हमारा। हाँ, घोड़ा गाड़ी मकान दुकान महाराज इन पे सब हम प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं, ये सुख के साधन नहीं है भैया, ये तो दुख के साधन है। हाँ, ये दुखी करने वाले हैं। आनंद के सिंधु की बिंदु भी किसी को मिल जाए माताओं तो जीवन भर महाराज आनंदमय हो जाता है उसका, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? तीन रूप हैं भगवान के, कौन कौन से? सच्चित आनंद क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। हाँ, कैसे करते हैं महाराज? बोलो भगवान संसार को उत्पन्न करते हैं, वही भगवान जो है समय आने पर इस संसार का पालन करते हैं, और वही भगवान समय आने पर संहार कर देते हैं। हाँ,